अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप दोस्तों अपने सिम की डिटेल कैसे निकाल सकते हैं अपने आईडी कार्ड नंबर को एंटर करके। ठीक है जी दोस्तों, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूँ, पहले कि मैंने आपके साथ कोड शेयर किया था 668 पे, यानी कि 668 पे आपने एक मैसेज सेंड करना होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि वो तरीका वर्क नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं आपको नया तरीका बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वो तरीका वर्क करता है, लेकिन आप उसको यूज़ सही नहीं करते। ठीक है जी, क्योंकि कुछ लोग किसी भी सिम से अप्लाई लेकिन छोड़ें उसके बाद को, वो अगर वर्क नहीं कर रहा तो आपको एक नया तरीकेकार बताने वाला हूँ, बिल्कुल 100% वर्क करेगा, 101% यह तरीकेकार जो है वो वर्क करेगा। आपने किसी भी सिम से इसको सेंड कर लें, ठीक है जी, किसी भी सिम से किसी भी नेटवर्क पे आप जो है ये अप्लाई करेंगे तरीकेकार। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी सिम्स की डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितनी सिम्स हैं, जेएस की कितनी है, टेलीनार, जोंग, यूफोन, तो उनके नंबर्स क्या हैं, तमाम आपको इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने कोई भी ब्राउज़र है, गूगल क्रोम कोई भी ब्राउज़र है, वो आपने ओपन कर लेना। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, आपको डिटेल से समझाऊँगा। यहाँ पर आपने ऊपर सर्च बार में लिख लेना जी सिम इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, जैसे ही आप ये लिखेंगे ना सिम, आप इसको नोट कर लें, सिम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद सर्च करेंगे, आपके सामने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी। लेकिन जो वेबसाइट आपको मैं यहाँ पे दोस्तों बताऊँगा, आपने उसी वेबसाइट को ओपन करना, इसके अलावा किसी और वेबसाइट को ओपन नहीं करना, आप फिर डाटा सही नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले नंबर पर ये वेबसाइट आ रही है सिम इन्फॉर्मेशन सिस्टम के नाम से, ये वाली वेबसाइट है, मैं आपको बता भी दूँ। ठीक है जी, ये वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ़ौरन से आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी, ये कह रही है कि जैस, टेलीनार, यूफोन, जोंग, अब हर सिम का यहाँ पे डाटा निकाल सकते हैं। तो अब हमने चेक करना है कि हमारे आईडी कार्ड पे टोटल सिम्स हैं कितनी। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, अपना आईडी कार्ड नंबर, जो कोड वाला तरीका था वो दोस्तों आप उसी सिम से सेंड कर सकते थे जो सिम आपके ही नाम पर होती है। ठीक है जी, लेकिन इसमें ये नहीं है, आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, आप कंप्यूटर में भी ये काम कर सकते हैं, मोबाइल में भी। आपने सिर्फ अपना आईडी कार्ड नंबर या किसी का भी निकालना चाहते हैं, आपने सिर्फ उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पर वो कह रहा है कि एंटर CNSE नंबर। ठीक है जी, अपने 13 हिस्सों का जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। तो आईडी कार्ड नंबर दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने नीचे चेक लगाना है आई एम नॉट रिपोर्ट का। ठीक है जी, इस जगह पे आपने यहाँ पे चेक लगा देना, ये मैंने चेक लगा दिया। तो यहाँ पे भी टिक लगी है कि ये कैप्चा हमें आ गया जी, ट्रैफिक लाइट पे यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है जी, हम इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पर आपने ये स्टेयर्स पे क्लिक करना है, यानी कि सीढ़ियाँ, ये करने के बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना। वेरीफाई के बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे सबमिट का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रिकॉर्ड आ जाएगा, जिसमें यह देखेंगे यहाँ पर यह कह रहा है कि जैस की दो सिम्स रजिस्टर्ड हैं इस आईडी कार्ड पे। ठीक है जी, टेलीनार की भी दो हैं, तो उसके बाद यूफोन की एक है, टोटल यहाँ पे पांच सिम बता रहा है। टाटा सिम कोई रजिस्टर नहीं है, ये जीरो बता रहा है, और यहाँ पे टोटल ये कह रहा है कि पांच सिम रजिस्टर हैं। अब बात आती है कि इनके नंबर्स कैसे निकालें, वो वीडियो भी वो भी आपको मैं तरीकेकार बताता हूँ। दोस्तों ये मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि हर सिम का नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, 100% तरीकेकार मैंने उसमें बताया। वो वीडियो आपको दोस्तों चैनल पर मिल जाएगी, चैनल का विजिट करें, इनशाला वो वीडियो आप वहाँ पर वॉच करें। तो इस वीडियो में अगर बताऊँगा तो वीडियो लेंथी हो जाए, क्योंकि मैंने वो तरीका पहले बता दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तरीका था, इस तरीके से आप अपने सिम की मुकम्मल डिटेल चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो मज़ीद अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल की, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह।